मुझे लग रहा है कि जब थिएटर में जाएंगे ना भाई तो उठने का दिल नहीं करेगा सिर्फ। ये पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये मूवी इंशाल्लाह। अभी शाहरुख खान तो नाम ही काफी है। कुर्सी का पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाली है। सर के 4 साल के बाद बड़े पर्दे पे दिखने वाले और उनका ट्रेलर आ चुका है, कैसा लगा ट्रेलर और क्या कहना? बहुत अच्छा, फाड़ू है भाई, एक नंबर। क्या ट्रेलर में जिस तरीके से एक्शन वगैरह दिखाया जा रहा है वो मुझे लग रहा है कि जब थिएटर में जाएंगे ना भाई तो उठने का दिल नहीं करेगा सीट छोड़ के, बस ऐसा है भाई। क्या बात है? पूरा जो भी रहेगा ना 2.5-3 घंटा अपन मस्त होके देखेंगे, मजे लेंगे बस। क्या बात है? निकलने के बाद फिर मजा ही मजा मिलेगा, ऐसा लगेगा उसका खुमार नहीं निकलेगा, ऐसा बहुत मस्त है। और ट्रेलर जब इतना अच्छा है तो मूवी क्या मजा आएगा भाई। क्या बात है? जिस तरीके से दीपिका पादुकोण भी इसमें है एंड जॉनी इब्राहिम भी इसमें दिखाई दे रहे, तीनों का काम कैसा लग रहा है, तीनों का केमिस्ट्री कैसा लग रहा है? जॉनी इब्राहिम बहुत अच्छा है, लेकिन दीपिका का जाने के बाद उससे उसका जोड़ी बहुत मस्त जमता है। इससे पहले भी आ चुका है, सुपर डुपर हिट हो चुका है, तो ये भी मुझे लगता है उससे भी ज्यादा अच्छा जाएगा। ये क्या लगता है, पठान 400-500 करोड़ पार कर सकेगा? करेगा, जरूर करेगा। क्या बात है? अगर एक वर्ड में बयान करना देगा तो एसआरके के लिए क्या कहना देगा? मस्त, टकाटक, एक नंबर भाई बंदा है, मस्त। और पूरे पठानकोट ट्रेलर के बाद में अगर एक एक शब्द में बयान करना रहेगा तो क्या कहना रहेगा आपके लिए? बस ये कहूँगा कि किस्मत का वो भाई बादशाह है, वाकई में बादशाह है वो। ज्यादा यदि 5 में से कितने साल देना चाहेंगे? मैं उसको जैसा है 4.5 तो दूंगा भाई, 4.5 दूंगा भाई। काफी 4 साल के बाद एसआर के बड़े पर्दे पे आने वाले, ट्रेलर आज उसका रिलीज हुआ है, आपने देखा ट्रेलर, कैसा लगा ट्रेलर, क्या कहना चाहेंगे? जो सारी फिल्म आती है स्टार्टिंग में उनका ट्रेलर ही होता है और उसी पर डिपेंड करता है सारी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। अभी शाहरुख खान है तो नाम ही काफी है। क्या बात है? ट्रेलर कितना इंटरेस्टिंग लगा, कितना पसंद आया, क्या कहना रहेगा ट्रेलर के बारे में? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी जैसा सारी फिल्मों का था सेम ही है, लेकिन हाँ फिल्म चलने वाली है क्योंकि मैं भी खुद पढ़ा नहीं हूँ। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है इसमें दीपिका पादुकोण भी है, जॉनी इब्राहिम भी है, उनका भी केमिस्ट्री है इसमें, वो कितना पसंद आ रहा है और तीनों का जो ट्रायो दिखाई दे रहा है वो कैसा लग रहा है? ये तो सारे लोग हीरो ही हैं, हीरोइंस हैं, इनका तो सारा अच्छा ही रहता है। हाँ, कोई नई फिल्म नई हीरोइन आती है तो उसका पूछना पड़ता है, ये तो सारे लोग अच्छे लोग हैं। क्या लगता है पिक्चर चलेगी? चलेगी, दौड़ेगी। क्या बात है? अगर एक शब्द में बयान करना होगा तो एसआरके के लिए क्या कहना रहेगा? पठानी काफी है। क्या बात है? और जाते थे पठान के पूरे ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में 10 में से मैं 10 में 10 पे दे दूँ। क्या बात? पठान का ट्रेलर काफी अच्छा लगा हम लोगों को, एक्शन मूवी है और शाहरुख खान का लुक तो एकदम अमेजिंग, बॉडी भी एकदम अमेजिंग। क्या बात है? हेयर लुक्स भी काफी अच्छे लगे उनके हमें। क्या बात है? क्या लगता है धमाका करेगी? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेगी। क्या बात है भाई, आपकी क्या राय? बिल्कुल बहुत अच्छा होगा मूवी इंशाल्लाह, ये पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये मूवी इंशाल्लाह। ट्रेलर ही बहुत ही अच्छा लगा हमें तो, मूवी अभी आई नहीं है, ट्रेलर ही बहुत अच्छा है। ट्रेलर में हमको सलमान खान की, शाहरुख खान की बॉडी अच्छी लगी। क्या बात है? लुक्स काफी अट्रैक्टिव है शाहरुख खान, और हमेशा से ही शाहरुख खान लोगों की पसंद रहे हैं। DDLJ भी उनकी काफी फेमस रही है, पठान उससे भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर कहा जाता है, कुछ रीजन इसलिए कहा जाता है। क्या बात है? अगर एक शब्द में बयान करना चाहोगे तो क्या कहना रहेगा एसआरके के लिए? बहुत अच्छी मूवी है एसआरके के लिए, तो हमारे हीरो सबसे बड़े वही है, सुपरस्टार एकदम। क्या बात है? जॉनी इब्राहिम भी इसमें है, दीपिका पादुकोण भी। हाँ, जॉन इब्राहिम का भी लुक देखने को मिलेगा, अभी ट्रेलर में तो खास उतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं मूवी में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। क्या बात है? जाते थे 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो वैसे तो रेटिंग नहीं देनी चाहिए, लेकिन 5 out of 5 बिल्कुल एकदम। 5 out of 5 बोलिए भाई, पीछे 1 मिनट है। 4 साल के बाद एसआरके बड़े पर्दे पे आने वाले हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज पठान का ट्रेलर आ चुका है, आपने पठान का ट्रेलर देखा तो क्या? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है, देखने के बाद एक एनर्जी से आ गई है कि देखने हर इंसान आप जाकर के देख सकते हैं मूवी, क्योंकि 25 जनवरी को ये मूवी रिलीज होने वाले है, हम सब भी जाएंगे देखने के लिए और आप लोग भी जाइए। पठान मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है, उसका ट्रेलर देखने के बाद अलग से जुनून आ गई है हमारे शरीर में, हम लोग बहुत बेसब्री से उस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पठान मूवी हम लोगों को देखनी चाहिए और आप सब भी देखिए जाकर के पठान मूवी को। क्या बात है? क्या सबसे ज़्यादा ट्रेलर में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंदीदा आया? पसंदीदा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसका एक्टिंग और कैसे उसका एक्शन बहुत ही अच्छा है और जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। लोग उस मूवी के बारे में बुरा बोल रहा है लेकिन ये गलत है, वो मूवी बहुत ही अच्छा बना है जिसने भी बनाया है। और क्या लगता है 25 तारीख को पठान मेहमान नवाजी करेगा सबकी? या बहुत ही अच्छा करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा 5 में से स्टार कितना देना चाहेंगे सर? जी 5 स्टार मिलेंगे। और अगर एक शब्द में अगर बयान करना रहेगा तो एसआरके के लिए क्या कहना रहेगा? जय एसआरके। क्या बात है? कुर्सी का पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाली है।